देख के आए हम इतना अच्छा, इनको बहुत पसंद आया। अब ये टावर की खोज में है, टावर की खोज में हम जा रहे हैं। ना ना गर्म होते हैं ये देखो गाइस, ये बंद पड़ा है। इसमें इसको बोल रहा हूँ मैं, रील बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि पुरानी पुरानी शूटिंग होती है यहाँ पे। रास्ता देख लो गाइस, इधर से जाता है बुर्ज कोटियां का, हॉर्न मार के। पर देखो ये है जी बुर्ज कोटियां गांव। इनके देखो तो बकने बढ़िया जिंदगी जी रहे भाई। हाँ, यहाँ पे आके पता चलता है गाइस हम जहाँ रहते हैं उस जगह की अहमियत। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी। माँ बाप ही रब है, माँ बाप ने सानू इतनी बढ़िया जिंदगी दी। बाकी हम इनको बुरा नहीं बोलते, जिसने जो देखा और जो जहाँ है उस हिसाब से सही है, लेकिन हम अब इधर नहीं आ सकते। देखो क्रिकेट खेल रहे बच्चे, टूर्नामेंट चल रहा है IPL। देखो कड़कनाथ घूम रहे हैं, मुर्गियाँ देसी मुर्गे। ये देखो रास्ता सारा गांव से होके जाता है। अगर आपने बुर्ज कोटियाँ वहाँ आना है, वाटरफॉल नहीं, एक तो स्पीड ब्रेकर बड़े तगड़े तगड़े लगा रखे हैं, अपनी गाड़ी है नीवी जी। देखो आसपास हाइट पे चढ़ेंगे, एकदम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे एक टिल्ले पे, वहाँ से सारा पंचकूला दिखेगा। देखो गाइस एलिवेशन ठीक ठाक है इधर, पिछले साल भी मानसून में आया था मैं या पहले आया था। देखो हमारा बुर्ज कोटियाँ किला, बड़ा 100 साल पुराना किला है ये, अब अंग्रेजों के टाइम का। देखो किला तो क्या है, वॉच टावर सा छोटा सा, यहाँ से नजर रखी जाती थी उस जमाने में। पानी कितना नीचे बरसात होके रखी है। देखो वॉच टावर बुर्ज कोटियाँ, इधर साइड पे लगा देता हूँ गाड़ी। देखो यहाँ से घुसा था पिछली बार, ये पौड़ियाँ बनी है ना, ये चले जाते हैं बंदे। इसमें क्या कुछ नहीं भाई, ये ब्रिटिश वॉच टावर था देख लो, अंग्रेजों के जमाने का। इधर से नजर रखी जाती थी, कितना पुराना है ना ये। देखो सारा पंचकुला दिख रहा है इधर से नीचे। रास्ते तो कहीं है इसके अंदर जाने के, वो देखो अमरावती का, वो देखो आसमा रेस्टोरेंट, वो सारा अमरावती है। इधर से तो काफ़ी बड़ा लगता है बुर्ज कोटियाँ में आपका स्वागत है। इनको भाइयों को दिखाने लाया हूँ, ऐसे घूमने के लिए आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा मसूरी है, जैसे देहरादून वालों के लिए मसूरी है। अंदर तुम चला गया हूँ, इधर का व्यू चेकआउट करो, गग्गर रिवर है सारा। ये गाँव है सारा बुर्ज कोटियाँ विलेज। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की, कोई पौधा है जिसकी नाइस खुशबू है। देखो टावर और नीचे मोर भी घूम रहा है, वो देखो ग्रीनरी बहुत है आसपास। रील बन रही है, रील इन प्रोग्रेस। ये देख यहाँ से है किधर, यो कहाँ है ब्रिंड पैडी की तो पचड़ नहीं दी। इधर राइट जाके चलो फिर, पहले इसको भेज, चल रुको बोल के चेक कर ब्रिंड तो नहीं है, तो है वैसे ये रहा छत्ता। आ जा फिर नीचे चले, उधर उधर का व्यू चले जाएगा, नहीं तो नीचे का व्यू है यार। ये तो गलत जगह पे एंट्री पे लग गई है ना, छेड़ू ना छेड़ू ना ना, बहुत गंदी भागेंगे पीछे। अरे नहीं ओ बोले, मधुमक्खियां लगी हुई हैं गाइस, अंदर जा नहीं सकते, हमें लड़ लोड़ जान की है। पहले कुछ ना कुछ हुआ रहता है, एंट्री पे बिल्कुल गेट पे ही छत्ता लगा हुआ है। ये तो टूट ही गया गाइस, पिछली बार जब मैं आया था तब टूटा नहीं था। यहाँ से भी चढ़ सकते हो अगर चढ़ना है तो। हाँ टूट गया ये, पार्क्ड लंगूर बहुत है गाइस इधर, इधर देख के आते हैं क्या है।
पिछले तो पिटबुल खा लिया था। आम के पेड़ के सामने बारह सिंगे का वो भी पड़ा। गाइस यहाँ पे बाघ है भाई, कुकर बता रहे हो भाई बाघ है वो, इतना जंगल में तो हो ही सकता है यार। आगे देखो एकदम आओ गली कड़ का पबजी की लड़की ले सुपर है वो भाई, चलो जा लेंगे। बहुत बड़ा है बाघ का क्या? तो गाइस इधर बाघ है, ग्राउंड कहाँ है? गाड़ी लेकर आनी थी भाई। इधर कहाँ जानी, मुड़नी नहीं थी। आजो आजो आजो, बंदे की आवाज आ रही, ये उठा लो। एक मिनट दे, ऐसे नहीं आता बाघ, रात को आता है, दिन में। हाँ रात दिन में दिखता नहीं ना। नहीं आता बाघ, नहीं है तेंदुए को बोलते हैं ये। वो देख बंदे की आवाज आ रही है आगे। ये मारियो बाघ, के वाला लेफ्ट वाला। पहले फेंक मारूंगा फिर गोदूंगा। देखो कुकुर कितना गंदा रखा, देख के हमने बस पिटबुल की बॉडी देख के आनी है। पिटबुल वो सिटबुल बनाया था हमने। नहीं है बाघ यार। हाँ और पिटबुल में मर गया, थलस का पड़ गया ना वो तो रात की, रात को आता ना। जो अगर वो ना बताते बाघ है, ग्राउंड हो रहा वो देख, कुत्ता घूम रहा है, उसको ना खाता पहले वो देख कैसे खड़ा है। बाघ खड़ा आगे वो देख छोटा सा। वो कुत्ता देख नहरा कि बाघ है। आम का पेड़ कौन सा है पता है? मैं आया हूँ तो बाघ कैसे आ जाएगा? यहाँ तो शेर आएगा। चलो नीचे, तुम चलते नहीं साथ, मैं तुम्हें दिखाने लगा। मैं वो हूँ वो कौन, काल मूवी वाला अजय देवगन। ये देख डंडा मेरे हाथ में। ए कहाँ है बॉडी उसकी? करे ही पड़ी जा सकते वहाँ, इस टाइम नहीं होता बाघ। ऊपर वाले कह रहे चलो एडवेंचर जंगल, कत्तियां लगी कुत्ते की, बाघ वाले एरिया में आती। क्या अच्छा पिछले साल यहाँ का खाया था? ग्राउंड किधर आ गए हैं? पानी रोक रहे हो? हाँ जी वो स्थान है छड्डी में, पानी पूरी पी लूंगी फिर। अच्छा अच्छा ठीक। बारा सिंह की बॉडी कहाँ पड़ी? ये पड़ी जी अगले बस से, वो जिधर कुत्ते हैं। अच्छा वो पिटबुल भी पड़ा है? पिटबुल तो अजी ऊपर। चलो चलो वो हम पका पिटबुल खड़े इधर ही साइड में खड़े हैं। अच्छा अच्छा वो पड़ा है बारा सिंह का? वो पड़ा पूरा नहीं खाया उसने। वो देखो गाइस बारा सिंह का नहीं पुराना मांस नहीं खाता। ओए कितना बड़ा, ये देखो ये है जी ग्राउंड। देखो मज्जा मुझा घूम रही हैं, बाघ होता तो खा जाता इन्हें। बाघ जंगल जंगल में होगा कहीं इधर उधर, जंगल ही जंगल है उनका एरिया है, बिल्कुल बुर्ज कोटियां के नीचे पड़ता है। पता नहीं कहाँ जा रहे हो, देखना पड़ेगा। हम भी चले हुए साथ साथ में। आम का पेड़, पानी इसमें सारा पानी पानी था पिछले साल। पानी भी खतरनाक ही चीज़ है यार, कब आ जाए कब नहीं कुछ नहीं पता। पिटबुल इतनी दूर ले गया वो, देखो रास्ता। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, देखो ये सारा एरिया है वो। बस तुम उसकी बॉडी ऊपर है तुम्हें। यहाँ पे कुत्ता मारा है 3 दिन पहले पिटबुल, कहते बारा सिंह के पीछे लग गया और फिर उसको यहाँ से जंगल से बाघ निकला रात के 9 बजे। बाघ मतलब तेंदुआ, इधर तेंदुए कोई बाघ बोलते हैं, वैसे टाइगर होता है। उसको उठा के ले गया फिर। हम तो चलते हैं यहाँ से, कोई अंधेरा होने वाला है। वो लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बाघ से मिले तो नहीं हुए वो। हम तेरे लिए खाना लेके आएंगे बाघ डार्लिंग। इनको इतना कैसे पता है फिर भाई? ये मिल रहे हैं और इसमें तो भाग जा भी जाने की बात है। बाघ फिर समर्पित कर देंगे, अपनी कहानी बताएगा कोई। यहाँ आए थे 3, एक को उधर लेके गया वो। किस्मत है अभी एक को ही लेके जाएगा वो। फिर मेरी नुआ होगी जो दोस्त को लेके जैसे, फिर मैंने बचाया वो। पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, मुंह फाड़ के प्रिंस ने कर लिया है। मैं
पता पहले नदी नहीं थी, यहाँ पे नॉर्मल था पिछले साल कहते, पीछे डैम है वहाँ से पानी आया सारा और ये भर गया। प्रिंस ना ले जाओ। क्यों मांस कम है उसमें? क्या पता कम भूखा हो, वो तो उसकी चॉइस। मेरे को भी लेके जाता, उन्हें कहने से बाल बूल वाले ने। निशान कह रहे हैं बाल बा, कोई ना इधर से क्यों नहीं चले तुम, नदी से कहाँ से आ गए? उधर से सौखा था जाना। ना ना बाघ थोड़ी दिखे, इत ही रहा होना आले दाले। आप कहाँ रहते हो? यही है बाघ, लगड़ा बाघ। ये देखो बारह सिंगा मारा हुआ, ये है जी बॉडी। चलो